आज का दिन बड़ा ही मेरा रईस हो वाला है, अच्छा नहीं लग रहा है जाना यहाँ से, थोड़ा सा ऐसे सैड हो रहा है। थैंक यू। आज की मॉर्निंग को फिर से स्पेशल बनाने के लिए हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। अंबिका बहुत पास रहती है हमारे घर के और बहुत टाइम से वो मिलना चाह रही थी और हम घर पर नहीं होते थे जिसकी वजह से मिलना नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली आज वो ऑफिस अपने हॉस्पिटल जाने से पहले यहाँ आए। हमने साथ में एक मॉर्निंग वॉक का प्लान कर लिया था लेकिन आज मौसम मेहरबान था, खूब बारिश हुई, तो हम थोड़ी देर बैठे फिर बाहर अभी टहलकर हम लोग निकले हैं। सो गुड टॉक, गुड वॉक और अब यहाँ से दिन शुरू करते हैं। आज हमें पैकिंग करनी है, क्लीनिंग। मैंने कल ही ये भूमिका बांध दिया था कि ये सब काम रहेगा, तो आज आपको कुछ हम ऐसे दिखेंगे घर में बिजी, लेकिन साथ में शेयर करेंगे आज कुछ कुकिंग। गुड प्लान ना? चलिए किचन में आ जाइए। हमारा किचन छोटे बैग्स में जाना शुरू हो गया है और कुछ पैकिंग मैंने यहाँ की है कुछ बेडरूम में, लेकिन पूरा घर कबर्ड से बाहर निकलकर पूरा ऐसा फैला हुआ लग रहा है। सो क्लीनिंग करो या पैकिंग करो या उसको रीअरेंज करो, घर हमेशा बिखरा हुआ लगता है और उस बिखरे हुए घर में सबसे टफ काम होता है खाना बनाना। मैं पैकिंग कर रही थी, सडनली मैंने टाइम लिखा हो रहा खाना, मैंने सोचा ये भगवान किचन तो ऐसा हो रखा है, फिर सोचा कुछ क्विक बना लेते हैं और क्विक में मुझे लगता है टेस्टी रोटी हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा लगता है रोटी टेस्टी, तो मैं क्या करती थी जब मैं पनीर वनीर ज़्यादा तामझाम नहीं करती थी, सिर्फ एक रोटी बनाया, अचार के साथ खा लिया और उस रोटी में ही सब कुछ डाल दिया। तो आज कुछ वैसा ही रोटी बना रही हूँ पर साथ में हम पनीर भुर्जी भी खाएंगे। ये है पनीर की तैयारी, लेकिन इस पूरे ट्रे में आपको टमाटो मिसिंग लगेगा और वो टमाटर के बिना मेरा मन नहीं लग रहा। पनीर बनना मतलब उसमें धनिया पत्ती, टमाटर, अनियन, गार्लिक, जिंजर, ये सब तो मस्ट है यार मेरे वाले में, और काली मिर्च। तो खैर ये रेसिपी आज हम शेयर नहीं करेंगे हमारा भुर्जी, हम मिसी रोटी बनाते हैं। तो अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ खाना बनाना पड़ रहा है,
जो कि मुझे थोड़ा टफ लगता है, पर फिर भी उस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करते हुए हम बनाएंगे मिस्सी रोटी जैसी चीज़। प्रॉपर मिस्सी रोटी नहीं कहूँगी क्योंकि उसको बनाने का थोड़ा तरीका थोड़ा बहुत शायद डिफरेंट होता है। इसमें आटा है, ये सत्तू है, अब इसमें डाल रही हूँ बेसन, थोड़ा आटा और मिक्स कर रही हूँ। वो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं जो बिना आटा के बिना बेसन के साथ ही मिस्सी रोटी बना लेते हैं, पर मेरी एक्सपर्टीज इसमें नहीं है। मैंने आटा बढ़ाया है, आटा इतना कम है तो ये सब थोड़ा थोड़ा ही जाएगा। प्याज डाल रही हूँ, थोड़ा हरे मिर्च, थोड़ा अदरक मुझे पसंद है, ये मैंने कट करके डाला क्योंकि मेरे पास ग्रेटर नहीं है, वरना ये ग्रेट करके डालना चाहिए। और ये है लहसुन, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा हींग, थोड़ी हल्दी, थोड़ा कसूरी मेथी, इसमें है थोड़ा सा धनिया, जीरा और काली मिर्च रोस्ट किया हुआ पाउडर, थोड़ा नमक। मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ पाउडर भी डालती अगर मैं डाइट फॉलो नहीं कर रही होती। बस इसको मिक्स कर रही हूँ और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दही। मैं इसमें थोड़ा घी भी डालती लेकिन अगेन अभी नहीं खाना है। वो जो घी इसमें डालना है वो मैं मिस्सी रोटी के ऊपर हल्का सा लगा दूँगी। अब इसको आटे की तरह गूंद लूँगी। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, ये सिर्फ दही से ही गूंद रहा है, दो चम्मच दही। क्या करूँ, आटा इतना कम है कि वो भी ज़्यादा हो गया, बट टेस्ट ख़राब नहीं करेगा, वो टेस्टी होने वाला है। अब मैंने पहली बार ये थोड़ा सा छींटा पानी का डाला है और ये गूंद चुका है। बेसिकली इतने आटे से मैं दो रोटी बनाऊँगी बस। इसको बराबर बराबर दो डो बना लेंगे। ओहो, मैं तो ऐसे प्रोफेशनल साउंड करना चाह रही हूँ पर कर नहीं रही हूँ। साउंड आप कैसे भी करो, मेन मुद्दा है खाना अच्छा बनना चाहिए, प्रोफेशनल हो अनप्रोफेशनल हो, व्हाटएवर। बेला भी जा सकता है मोटा मोटा, लेकिन मैं धो चुकी हूँ सारे बर्तन, अब मुझे दोबारा से उनको गंदे करने का मन नहीं कर रहा। कहाँ ना पैकिंग चल रही है, तो अब तो जुगाड़ पे ही हम चलेंगे आज रात तक, क्योंकि कल हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अरे यार फट रहा है, निकालो चतला बेलन, फिर से धुलेगा वो। मुझे ऐसी रोटियाँ बहुत पसंद है और ऐसी रोटियाँ बहुत बहुत तरीके से बनाती हूँ मैं, बनती तो है ही। मैं अगर रोटी बनाना हो तो ऐसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बनाना, मोटी मोटी रोटी बना ली, एक रोटी में काम तमाम, और उसी में अगर बहुत सारी चीज़ें डाल दी तो स्वाद का स्वाद आ जाता है। अगर साथ में सब्जी ना भी हो तो अचार दही किसी भी चीज़ के साथ खा लो, चटनी के साथ खा लो, है ना। तो पैकिंग वाले दिन के लिए इट्स गुड ऑप्शन। मेरे हाथों को देख कर अब ऐसे नहीं करना, ईओ ये आटे का ही हाथ है, क्योंकि सेकने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे प्रेस करने के लिए नहीं है, मुंबई में मैंने रखा हुआ है वुडन प्रेस करने वाला। मैं साथ साथ में इधर चढ़ा रही हूँ मेरा पनीर भुर्जी, सोच रही हूँ पनीर भुर्जी ना बनाकर पनीर अतरंगा बना दूँ, टमाटर नहीं है तो मैं अतरंगा ही बनाऊँगी, तो देखती हूँ अतरंगा कैसा बनता है। फिलहाल मेरा जो मिस्सी रोटी है वो मुझे लग रहा है बड़ा ही सॉलिड बन रहा है। अब हमारे मिस्सी रोटी को हम लगाएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे थोड़ा सा घी। यम यम यम, तो ये है आज का हमारा खाना जो कि बड़े ही शॉर्टकट में बना है और वाकई में बड़े कम टाइम में बना है। ये जो पनीर अतरंगी है ये मैं खाकर बताती हूँ कैसा बना है। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है यार, इतने सस्ते सपाटे में ऐसा टेस्ट मिल रहा है। और बाय गॉड इसमें जो कच्ची कैरी डाली है ना वो बहुत टेस्टी लग रहा है। Thank you.
आज का दिन बड़ा ही मेरा रईस हो वाला है, क्योंकि आप लोगों से मिलना हो रहा है और मैं रईसी बिल्कुल इसी को कहती हूँ जिस दिन मुझे भर भर कर प्यार मिलता है। आज सुबह शुरुआत हुई आप लोगों से और इवनिंग ख़त्म भी हो रहा है आप लोगों के प्यार से, सो थैंक यू सो मच। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्या, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू सो मच। एंड चलो अगेन अब घर चलते हैं, पैकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं और कल हम शिफ्टिंग करने वाले हैं, तो गेट रेडी, नई जगह के लिए तैयार हो जाइए। आई नो पुराना घर याद तो आएगा, पर हम नए घर में नई यादें बनाने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं अब यहाँ से घर की ओर का यात्रा। आज लास्ट डे होगा यहाँ से, चलो अब। हेलो हेलो, खाना वाना हो गया, जिम शिम से आकर के बस शार लेकर मन करता है सो जाओ, मतलब खाना खाओ और सो जाओ, लेकिन आज ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है और ये पैकिंग थोड़ी होगी फास्ट वाली, क्योंकि ये बस इस घर से पैक होनी है और दूसरे घर में अनपैक होनी है, तो बहुत प्रॉपर पैकिंग नहीं करने वाली हूँ जैसे मैंने मुंबई में किया था। मुंबई टू चंडीगढ़ वाली पैकिंग मैंने बड़े ही आराम से सोच समझ कर किया था और बहुत अच्छी पैकिंग हुई थी, पर इस बार जो हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये फिर से भचड़ जो भी कह लो वो मचने वाली है कार में। और क्या हुआ ना कि उस टाइम पे सारे कपड़े आयन किए हुए थे और क्यूब में वो सारे बड़े आराम से आ गए थे, पर अभी वही कपड़े मेरे क्यूब्स में पूरे नहीं आ रहे हैं, बैग्स में भी नहीं आ रहे हैं, बिकॉज विदाउट आयरिंग अगर हम कपड़े पैक करते हैं ना तो वो जगह ज़्यादा लेती हैं। ये छोटी सी बात है लेकिन हम ध्यान नहीं देते कई बार कि चल चल पैक कर ले, वहाँ जा कर के हम आयन करवा लेंगे, पर अगर ज़्यादा कपड़े रखने हो तो कपड़े हमेशा आयन करके ही रखने चाहिए। तो यहाँ तो वक्त नहीं मिला मुझे कि मैं ये सारी चीज़ें फिर से आयन करवा पाऊँ, यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जाना यहाँ से, थोड़ा सा ऐसे सैड हो रहा है। ये बिल्कुल अपना सा घर लगता था और मैं यहाँ बिल्कुल मतलब रच बस गई थी, ऐसा लगता था कंफर्ट में हूँ, इतनी दूरी तय करती थी फिर भी लगता था कि चलो आ करके कंफर्टेबली रह जाऊंगी, अब नया जगह होगा, नए लोग होंगे, नए नेबर्स होंगे और वो DLF नहीं है, वो वहाँ पे ऐसा कैंपस नहीं है, इतनी इंडिपेंडेंस नहीं होगी वहाँ पे, आई डोंट नो कैसी जगह है वो, तो अब तो कल ही पता चलेगा। तो आज मैं तैयारी करती हूँ, बस ये जितना भी हो सकेगा थोड़ा बहुत करूँगी और कल फिर इसको झोले वाले में डालकर कार में भर दूँगी और वहाँ जा कर के बस सेट करना है। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बिता सकते बिकॉज कल सुबह हमें 10 बजे चेकआउट करना है यहाँ से और 10:30 वहाँ पे चेक इन टाइम है, सो लेट्स सी हम टाइम को कितना फॉलो कर पाते हैं। टाइम को हम फॉलो कर पाए ना कर पाए, आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, यानी कि हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अगर देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी भी बजा दीजिएगा। और हाँ, अगर कोई आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसे हैं तो उनको बुला कर कहिएगा सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे हमारी जैसी बातचीत होती है। आज के लिए बस इतना ही, राम राम, जय भारत, शुभ अखैर, गुड नाइट, लव यू।